हेलो एवरीवन, नमस्कार. दिस इज डॉक्टर परमजीत एंड आज हम बात करेंगे फीमेल्स में बेली फैट, पेट का मोटापा क्यों और क्या किया जाए. एक्सपैंडिंग वेस्ट लाइन अगर आपकी भी है तो कई बार ये उम्र के साथ फीमेल्स में आ जाता है, मीनोपॉज के बाद आ जाता है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद कई बार उनका जो फैट प्रोपोर्शन है वो पेट में शिफ्ट होने लगता है. रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप मोटे हो रहे हैं या फिर आपकी जीन्स की पैंट की जिप ऊपर जाने में मुश्किल होने लगी है, बेसिकली आप मोटे हो रहे हैं, तो वो बेली फैट सीरियस हेल्थ रिस्क प्रोड्यूस करता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ के तरफ लेके जा रहा है. लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बेली फैट कम भी किया जा सकता है किसी भी उम्र में. सो बेली फैट का रीज़न क्या है? सिंपल सी रीज़न है, अगर आप बेली फैट आपको होगा या किसको होगा वो डिपेंड करेगा आपके तीन चार फैक्टर्स पे. मेन फैक्टर है कि आप कितनी कैलोरीज खाते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, आपकी उम्र क्या है, बेसिक मेटाबॉलिज्म पूरे दिन में आप क्या करते हैं वो है आपका, कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, कितना खाते हैं, और अगर आप एक्चुअली में ज़्यादा खा के कम एक्सरसाइज करते हैं तो वज़न भी बढ़ेगा, बेली फैट भी बढ़ेगा. सो एज से कैसे फ़र्क पड़ता है? मैनी वीमेन, ज़्यादा फीमेल्स में बेली फैट उम्र के साथ साथ आने लगता है, और इवन इफ अगर वो वज़न नहीं गेन कर रहे तो फिर भी, क्योंकि उनके शरीर में ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है जो फैट के डिस्ट्रीब्यूशन को. इस वजह से उनके पेट में फैट, जैसे आदमियों के पेट में ज़्यादा फैट होता है वहाँ पे भी आने लगता है, उम्र के साथ फीमेल्स में आने लगता है. ये टेंडेंसी जो है टू गेन और कैरी वेट अराउंड द वेस्ट, इसको हम एक एप्पल शेप बोलते हैं, एन एप्पल रादर देन अ पियर शेप. इट कैन ऑल्सो बी अ जेनेटिक कंपोनेंट. जेनेटिकली कुछ फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल कम, टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है. वो ऊपर नीचे हर एक का फिक्स नहीं होता है, एक एवरेज रेंज में रहता है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा. सो मसल मास जो है उम्र के साथ कम होती है, फैट मास बढ़ता है, लॉस ऑफ मसल होती है, बिकॉज ऑफ दैट भी आपकी कैलरी जो यूज़ हो रही है, जितनी मसल आपके अंदर कम होगी डे टू डे बेसिस पे, उतनी एक्टिविटी करने के लिए आपको एनर्जी कम लगेगी. तो उतना ही अगर आप खाना कम नहीं खाते हो तो वेट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नेट डेफिसिट और ज़्यादा कम हो जाएगा आपका, डेफिसिट नहीं और ज़्यादा आपका डेफिसिट करना पड़ जाएगा. सो अगर आपको भी बेली फैट में प्रॉब्लम है, और द ट्रबल क्या है इसमें कि इट इज़ नॉट जस्ट कि जो बाहर का चमड़ी के नीचे वाला फैट है, ये अंदर इंटरनल ऑर्गन के आसपास सराउंडिंग जो फैट होता है, जो विसरल फैट होता है, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसके वजह से बेसिकली ज़्यादा पेट लटका हुआ अगर आपका है तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब आपको हो सकते हैं. सो रिसर्च भी ये बताता है बेली फैट जिसकी ज़्यादा है, प्री मेच्योर डेथ के चांसेस ओवरऑल उसके ज़्यादा है रिगार्डलेस ऑफ द वेट. वेट कम है, वेट ज़्यादा है, बेली फैट अगर ज़्यादा है तो डेथ के चांसेस ज़्यादा है. सो कई ऐसे भी होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वज़न बढ़ा हुआ होता है लेकिन बेली फैट नहीं होता. तो वेट का एक फैक्टर है, बेली फैट एक अलग फैक्टर है. इनफैक्ट स्टडीज़ ये बताते हैं कि फीमेल्स में अगर नॉर्मल वेट बेस स्टैंडर्ड उनका देखा जाए, और नॉर्मल वेट बेस ऑन स्टैंडर्ड बॉडी मास वेट मेजरमेंट, उसके अलावा एक लार्ज वेस्ट लाइन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डाइंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. तो लार्ज वेस्ट लाइन अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है. सो हाउ टू मेजर योर वेस्ट लाइन? आपको अपना कमर का साइज लेना है, एक जगह खड़ा होना है और अपने बेयर स्टमक को बिल्कुल मस्त, बेसिकली आपको जस्ट अबव द हिप बोन आपने नाप लेना है. सो नापना है, मेक श्योर कि टेप जो है सारी जगह से एक जैसा हो. रिलैक्स करिए, सांस अंदर लेके सांस छोड़िए, फिर चेक करिए, ठीक है? उसमें पेट अंदर करने का नहीं, ठीक है, रिजिस्ट. सो फीमेल्स के लिए कितनी होनी चाहिए द वेस्ट लाइन? अगर आपकी 35 इंचेस या 89 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये अनहेल्दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेली फैट है और आपका रिस्क बीमारियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो कैसे कम करें? आपका ज़्यादा है तो यू कैन टोन एब्डोमिनल मसल्स विद क्रंचेस. अगर आप सोचते हैं कि पेट की एक्सरसाइजेस करके, क्रंचेस करके पेट का फैट कम होगा, तो नहीं होता ऐसा. उस एक्सरसाइजेस से, क्रंचेस से केवल उस मसल को टोन किया जा सकता है, या किसी भी एब्डोमिनल एक्सरसाइज से, इससे आप बेली फैट कम नहीं कर सकते. तो विसरल फैट हो या आपका सबक्यूटेनियस फैट हो, फैट को कम करने के लिए
आपको डाइट, एक्सरसाइज, एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चुननी होगी और एक्सेस कैलोरीज नहीं खाने होंगे, तब धीरे धीरे जाके ओवरऑल बॉडी फैट कम हो के आपका ये बेली फैट भी कम होगा। याद रखें डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग 80% कहते हैं, कई 70%, देखिए डाइट का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप हेल्दी डाइट करेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली खाएं, आप होल ग्रेन्स खाएं, लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन लें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें और लिमिट करें अपने शुगर का, एडेड शुगर या सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन लिमिट या ना के बराबर कर दें, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा बहुत अगर फैट जो खाना है वो भी आपका मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स रहेंगे, फिश नट्स या वेजिटेबल, कुछ प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स, कैनोला ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल्स, वो ज़्यादा अच्छे हैं। सो दीज आर गुड थिंग्स टू चूज फ्रॉम। ईटिंग हैबिट्स भी ज़रूरी है। अगर आप शुगरी बेवरेजेस खाते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे चले जाओ। पोर्शंस जो हैं आपके वो छोटे करो, पोर्शन छोटे करो और पोर्शन साइज छोटे करना अपने आप में जरूरी, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स जो आप खाते हैं वो कट डाउन कर दीजिए, रात का खाना कम कर दीजिए या नाश्ता बंद कर दीजिए, कोई ना कोई एक मील स्किप कर दीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, डजेंट मैटर हाउ यू डिक्रीज योर कैलोरीज, ठीक है। एंड देन देर इज़ अ बिग 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 रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, डेली रूटीन में जितनी भी आप चलते दौड़ते भागते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन में। ये नहीं 15 मिनट एक्सरसाइज कर ली बहुत हो गया बाकी टाइम लेटे रहे, नहीं, यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। बट इन आइदर केस मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटीज जैसे ब्रिस्क वॉक आप अगर हफ्ते भर में केवल 150 मिनट भी कर लेंगे या फिर 75 मिनट विगरस एरोबिक एक्टिविटी, तो भी ये आपको फिट रखने के लिए काफ़ी है। सो स्टेप काउंटर अगर आप लेते हैं तो 10,000 स्टेप्स आपके कंप्लीट करने हैं आपको, या फिर अगर आप देखते हैं कि कई बार अगर पतला होना है तो 15,000 स्टेप्स तक भी जाना पड़ता है, ये ध्यान में रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है ताकि आप मसल मास अपना मेंटेन कर सकें, ग्रो कर सकें, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट लीस्ट हफ्ते में 2 बार आपको करनी चाहिए, और अगर आप मसल ग्रो करना चाहते हैं तो और ज़्यादा बार आप करें, राइट। सो दिस इज़ ऑल यू नीड, देन मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने आपका भला कर पाएं। उल्टे सीधे नुस्खे मुस्खे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो डॉक्टर एजुकेशन एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक कमेंट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।